आपके चैनल को बिल्कुल डेड कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे और आपको मोनेटाइज के काबिल भी नहीं रखेंगे यूट्यूब चैनल पर। ये 5 गलतियां आप बिल्कुल मत करना। अगर आप लोगों ने ये 5 गलतियां कर दी है तो आप लोग भी इन गलतियों को सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं की है तो आप ये 5 गलतियां भूल कर भी मत करना, कभी भी मत करना लाइफ में। अगर आप लोग एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो, अगर आपको नहीं बनना है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बनना है ना तो आप ये 5 गलतियां बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये आपके चैनल को बिल्कुल डेड कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और आपको मोनेटाइज के काबिल भी नहीं रखेंगे। जब आप लोग मोनेटाइज चैनल करने के लिए अप्लाई करोगे ना, वहाँ पर जाकर के आपके चैनल को डेड कर देंगे। वहाँ पर जाने के बाद में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये 5 गलतियाँ आपके जो रास्ते का कांटा बन सकती है, अगर आपने ये 5 गलतियाँ कर दी व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में। तो करना क्या है आपको, पहले गलती नंबर 1, आपको अपने YouTube चैनल पर अगर आप लोग अच्छे से काम करते हैं और अगर आपके व्यूज सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप लोग और भी अच्छा काम करो, और भी अपने काम को कंटेंट को इम्प्रूव करो और अच्छा अच्छा करो। लेकिन आप लोग कभी भी जो उस वीडियोज़ के लिए उस अपने सब्सक्राइबर व्यूज़ के लिए आप कभी भी अपने चैनल का पेड प्रमोशन नहीं करवाना। आपको कभी भी किसी बड़े यूट्यूबर या किसी बड़े जो वर्किंग वाले होते हैं कंप्यूटर वाले, उनसे आपको पेड प्रमोशन नहीं करवाना है, सब्सक्राइबर नहीं खरीदने हैं, ना ही वीडियोज़ पर व्यूज़ खरीदने हैं और ना ही लाइक्स खरीदने हैं। ये आपके चैनल को बिल्कुल डेड कर सकते हैं, बिल्कुल डेड कर देंगे, कर सकते क्या, बिल्कुल खा ही जाएंगे चैनल को, पूरा ख़त्म। ठीक है दोस्तों। और गलती नंबर 2, आप लोग कभी भी अपने जो बड़े बड़े यूट्यूबर आपको दिखाते ना कि इस लिंक इस वेबसाइट पर जाके अपने वीडियोज़ का या अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डालो, पेस्ट करो और उसके बाद में देखो 1000 सब्सक्राइबर, 1000 व्यूज़, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट। तो आप लोग ये गलती मत करना। दूसरी गलती मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके यूट्यूब वीडियो का जो लिंक डालते हो इससे आपके चैनल पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही साइबर क्राइम के जो लिंक होते हैं ये आपके चैनल को बिल्कुल हैक कर सकते हैं और आपकी वीडियो को भी हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आपकी वीडियो में भी कुछ गलत कर सकते हैं। तो ये आपको दूसरी बात का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना पड़ता। और तीसरी चीज़ जो है वो आपकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी के साथ में काम नहीं करते हैं और रेगुलर नहीं रहते हैं और रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करते हैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से, तो ये आपके चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने एक वीडियो, अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपके लिए जो गलत चीज़ है, रॉन्ग चीज़ है, आपके चैनल के लिए बहुत ही इफेक्टेबल नहीं है। ठीक है। अगर आप लोग बड़े यूट्यूबर है, आपके अर्निंग शुरू हो गई तो आप लोग ऐसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग नए यूट्यूबर है और आप लोग वीडियो नहीं अपलोड कर रहे सही से, आज एक वीडियो अपलोड कर दी, एक दो दिन में कर दी, एक 10 दिन में कर रहे हो, तो ये आपके चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। तीसरी चीज़ यही है। ठीक है दोस्तों। आप लोग अपने YouTube चैनल पर नए हैं और अगर आप लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में YouTube पर काम करें और ग्रो करें चैनल को। और चौथी जो चीज़ है वो है मिक्स कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग नए क्रिएटर क्या करते हो, नए यूट्यूबर क्या करते हो, मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की है कि हम लोग अपने चैनल पर सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाने के लिए मिक्स कंटेंट अपलोड करते हैं। इससे हमारे चैनल पर क्या होता है कि रॉन्ग ऑडियंस होती है वो हमारे चैनल पर इकट्ठा हो जाती है। हमने चैनल पर 10 वीडियो अपलोड की, एक न्यूज़ का, एक टेक का, एक कुकिंग का, एक फिटनेस का, एक ब्यूटी हेल्थ का, एक कोई किसी का, एक व्लॉग का, सारे अलग अलग वीडियो अपलोड किए। अब उन वीडियो को देख के जो लोग आए ना, कोई व्लॉग की तरफ से हेल्थ टिप्स लेने आया, कोई क्या लेने आया, कोई टेक टिप्स लेने आया, ठीक है, सभी लोग बंदे जो अलग अलग चीज़ का जो नॉलेज लेने आए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये मिक्स कंटेंट है। आपको उनको दोबारा जो है ऐसी वीडियो उस चैनल पर नहीं मिलेगी। अगर वो चैनल पर वो वीडियो अच्छी लगी तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वो आपके सब्सक्राइबर बन जाएंगे, और लेकिन उनको ये नहीं बताना कि आगे उनके चैनल में वैसी वीडियो दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। पता नहीं कौन से कंटेंट पर वो वीडियो अपलोड करेंगे, कौन सी कैटेगरी पर वो वीडियो जो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके चैनल के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। आप लोग अपने चैनल पर कभी भी मिक्स कंटेंट अपलोड ना करें। और पांचवी जो चीज़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके चैनल आपके यूट्यूब वीडियो में म्यूजिक। आप लोग जब भी अपने यूट्यूब वीडियो बनाते हो अपने यूट्यूब वीडियो में कभी भी म्यूजिक का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अगर आप लोग यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हो उसमें अगर सॉन्ग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नो कॉपीराइट म्यूजिक का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं। ठीक है। आपको कुछ भी इस तरह का काम नहीं करना जिससे कि आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आए या कॉपीराइट क्लेम आए। ठीक है। तो आप लोग इन पांच बातों का बिल्कुल ध्यान रखना अगर आप लोग चैनल मोनेटाइज करवाना चाहते हो
और अगर चैनल अपने चैनल पर अर्निंग करना चाहते हो ठीक है, तो आप इन पांच बातों का बिल्कुल बड़े अच्छे से ध्यान रखना आपको, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज कभी नहीं होगा, आपको दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा, फिर दोबारा जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।